Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anana और आप देख रहे हैं इंटीरियर माता। तो बहुत दिनों से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे जेन डेकोर के बारे में कुछ बताने के लिए, कैसे आप लोग एक जेन डेकोर क्रिएट करें उसके बारे में आप जानना चाहते थे। तो आज की जो वीडियो है उसी के ऊपर है। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आपको ज़िंदगी में शांति चाहिए और एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जेन आया हुआ है संस्कृत वर्ड ध्याना से एंड चाइनीज वर्ड चैन से। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हमारे देश में ये बहुत होता है, हम लोग दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी जो कल्चर इटसेल्फ इतनी ज्यादा रिच है। आप लोगों को भी पता है सारे जो मेडिटेशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया से ही एक टाइम पे चालू हुआ था, एंड इसके वजह से ये जो जेन है इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो प्रैक्टिस शुरू हुई थी वो भी इंडिया में ही चालू हुआ था। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप आपके घर में अब खुद का एक जेन कॉर्नर बना सकते हैं, जहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। मेनली इसी के रीज़न से जेन कॉर्नर बनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपके पास स्पेस है एंड आप बहुत एंजाइटी एंड स्ट्रेस के शिकार है या फिर डिप्रेशन के शिकार है तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी उपाय है, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट ऑप्शन जेन कॉर्नर के लिए, घर की जो सबसे ब्राइटेस्ट कॉर्नर है जहाँ पे काफ़ी नेचुरल लाइट आती है, उन सब कॉर्नर पे आप जेन कॉर्नर को कीजिए, क्योंकि जहाँ पे ब्राइटनेस आती है वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। तो जो सूर्य देवता है, जो सूरज है, ये हमारी सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी का एक सोर्स है, राइट? हम लोग सभी जानते हैं ये। तो जिस कॉर्नर पे आपके घर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, अगर आप उसी कॉर्नर पे ध्यान करने बैठेंगे या फिर मेडिटेशन करने बैठेंगे या फिर योगा करेंगे तो वो कॉर्नर आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो जो विटामिन डी है, वो जो पॉजिटिविटी है आपके बॉडी में आ रही है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सबसे जो पॉजिटिव कॉर्नर है एंड वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी लाइट आती है, एंड वहाँ पे जेन कॉर्नर बनाई। सेकेंड ऑप्शन जो मैं आपको बताऊँगी वो है जहाँ पे कम क्राउड होता है। हमारे घर में बहुत सारे लोग होते होंगे, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, बहुत सारे लोग होते होंगे और बहुत डिस्टर्बेंस होती रहेगी। लेकिन क्या आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं, क्या आप चाहते हैं कोई आके आपको डिस्टर्ब करे? नहीं ना। तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह पे करने के लिए, ये अपना पर्सनल बेडरूम हो सकता है या फिर लिविंग स्पेस का ही कोई कॉर्नर है जहाँ पे आप नहीं जाते हैं, जहाँ पे बाकी लोग ज़्यादा कम जाता है, या फिर बहुत लोगों के स्टेयर के इसके नीचे भी जगह होती है, वहाँ पे विंडो भी होती है, काफ़ी लाइट आती है, वो सब जगह भी ये यूज़ करते हैं जहाँ पे कम फुटफॉल है, उन सब जगह पे आप जेन कॉर्नर बनाइए। बिकॉज आपकी डिस्टर्बेंस कम होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज सीटिंग। नाउ सीटिंग को लेके बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जितना पढ़ाई किया है इसके ऊपर एंड ओवरऑल माय इंटीरियर जो एडुकेशन है एंड जो प्रैक्टिस मैंने 7-8 सालों में किया है, इसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि जेन कॉर्नर जो है वो आप फ्लोर में बैठ के बनाइए। मतलब अगर फ्लोर सीटिंग है तो वो परफेक्ट जेन कॉर्नर है, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं या फिर बहुत लोग वहाँ पे योगा भी करते हैं, इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड डू इट ऑन द फ्लोर रादर देन यू नो सिटिंग ऑन अ सोफा और अ चेयर और एनीथिंग एल्स। तो अगर आप मेडिटेशन के ऊपर प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी जो पूरी दिन का स्ट्रेस है उस कॉर्नर में जाके निकल जाए, सो इट हैज़ टू बी अ फ्लोर सिटिंग। अगर आप फ्लोर सिटिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोई भी और सिटिंग ले सकते हैं। मेक श्योर इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी, एंड आपको एक बहुत अच्छी सी मतलब बहुत ही वॉर्म एक फीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बहुत बार हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक परफेक्ट जेन कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल होनी भी ज़रूरी है। अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी अंदर से लाना चाहते हैं, नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एरोमास हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरा घर जो है काफ़ी अच्छा, कोशिश करती हूँ मैं काफ़ी अच्छा स्मेल करे। वेट आई विल शो यू। दीज आर
are the pure nature ke aroma oils. This is sandalwood and this is relaxing. So ye sari cheeze main use karti hu taaki ek bahut hi positive smell aaye apne ghar se. Ye bahut important hai. Agar aapka ghar acha smell nahi kar raha, biryani ka smell kar raha hai, halanki biryani ka smell acha hota hai, lekin agar aap jab meditation kar rahe hai, jab aap अपना मी टाइम दे रहा है, तो अगर तब अगर स्मेल अच्छा नहीं कर रहा है तो आपकी जो पूरी एनर्जी है दूसरी चीज़ों के ऊपर चले जाएगी, पूरी जो ध्यान है वो दूसरी तरफ हट सकता है. तो आप कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूज़र्स रखने के लिए, नॉर्मल डिफ्यूज़र्स भी आप रख सकते हैं, या तो फिर सिर्फ अगर आप एक बॉटल में एरोमा जो ऑयल होता है वो 2-3 ड्रॉप दे के बस आसपास में रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो. नेक्स्ट ऑप्शन फॉर ज़ेन कॉर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ लाइटिंग. अगर आप पूरे दिन ऑफिस में रह रहे हैं या फिर घर का काम कर रहे हैं और जब आप मी टाइम देना चाह रहे हैं तो आपको कभी इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट पसंद नहीं आएगी. तो ट्यूब लाइट, नॉर्मल लाइटिंग मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी. आप इनडायरेक्ट लाइटिंग के साथ जाइए, बहुत सॉफ्ट लाइट, एक कॉर्नर लाइट हो, या तो फिर आपको राइस लाइट पसंद है जो मेरी फेवरेट है, राइस लाइट के साथ जाइए. अगर आप हिमालयन सॉल्ट के लैम्प्स के बारे में जानते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है. मेरे पास है नहीं, आई एम प्लानिंग टू बाई वन, आई विल डेफिनेटली गिव यू रिव्यूज़, लेकिन मैंने सुना है बहुत पॉजिटिव होता है, तो ज़ेन कॉर्नर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रीन ऐड कीजिए. आप चाहे तो आप छोटा सा एक फाउंटेन भी रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी का आवाज़ आ रहा है, यू नो, एक रिलैक्सिंग आवाज़ जो आपको बहुत काम कर देगी, टेंशन आपकी जो है सब निकल जाएगी. एंड आप बार बार जितनी बार उस जगह पे जाएंगे, आप जितना भी पूरे दिन का आपका स्ट्रेस है, जितना भी गुस्सा आपको आया था, जितना भी आप पागल हो रहे थे ना, वो वहाँ पे कम हो जानी चाहिए. सो या लॉट ऑफ ग्रीन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नेचुरली जो भगवान ने हमारी जो आईज़ है, हमारी जो नेचर है, ग्रीन की तरफ हम लोग जाते हैं तो साइंटिफिकली भी हम बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं. So I'll suggest you to add lot of greens. If you can add chota sa aquarium also, you can have a fighter fish. And that's it guys. यही चाहिए आप ज़ेन कॉर्नर बनाने के लिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बुद्धा ऐड करें, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बुद्धा की मूर्ति, जो बैठी हुई मूर्ति रहती है, जो फुल बॉडी बैठी हुई ध्यान करती हुई बुद्धा की मूर्ति है, आप ज़ेन कॉर्नर में रख सकते हैं. सो दिस वॉज इट गाइज, आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें. अगर आप किसी ने भी आपने ज़ेन कॉर्नर अपने घर में बनाया है या फिर बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो making, you know, creating this corner, although I don't have any zen corner at my home, if you want it, let me know, मैं एक video बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप, और अगर आपके घर में already zen corner बनाया हुआ है तो Instagram में वो picture upload कीजिए and मुझे इंटीरियर माता में tag कीजिए, मेरी stories में मैं share करूंगी and मैं opinion दूंगी, बाकी लोगों को भी देखने का मौका दूंगी कि आपने कैसे बनाया है, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सके. सो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. कल या परसों मेरी जो डाइनिंग रूम मेकओवर वीडियो है वो आ जाएगी. सो या मेरे साथ बने रहिए, तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल.